नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। दर्शकों, आज फिर नाग और एक संत की कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है, बड़ी मोटिवेशनल है। दोस्तों, यूं तो नाग नागन की कहानी काफी देखने को और सुनने को मिलती है, लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी आपको कभी गरीब नहीं रहने देगी। दोस्तों, यदि कोई बंदा नाग नागिन को सही तरीके से समझ जाए तो वो नाग नागिन व्यक्ति को मालामाल कर देती है। शास्त्रों में इस बात को लिखा गया है और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि नाग नागिन के पास असीमित शक्तियां होती हैं, जिनके प्रभाव से लोग मालामाल हो जाते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है? उसका तात्पर्य यही होता है कि हमारे घर में सदा सदा के लिए सुख समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, नाग देवता और नागिन हर गांव में होती हैं, हर कस्बे में होती हैं, हर शहर में होती हैं। दोस्तों, कई लोग हर नाग नागिन को साधारण समझते हैं, लेकिन हर नाग नागिन साधारण नहीं होता है। शक्तियां और चमत्कार हर नाग के पास होता है, इस बात में कोई शंका नहीं है। ऐसी एक प्राचीन कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। दोस्तों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करता था। दोस्तों, उस परिवार में उस ब्राह्मण की पत्नी और एक पुत्र था। वो ब्राह्मण बहुत गरीब था, उसके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। ब्राह्मण नगर में भीख मांगकर अपना गुजारा करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन भीख भी उसको ज्यादा नहीं मिलती थी। प्रिय दोस्तों, उधर वो ब्राह्मण की पत्नी भी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी, बहुत ही चालाक थी, इसलिए वो ब्राह्मण की पत्नी रोज रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने जाने को कहती थी, पर ब्राह्मण उसकी एक नहीं सुनती और अपने घर में राम नाम का जप करता रहता था। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में कुलक्षणा स्त्री आ जाती है, उस घर का भी सर्वनाश हो जाता है। इसलिए यदि आपके घर में भी ऐसी कुलक्षणा स्त्री है, तो उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें, क्योंकि कुलक्षणा जो स्त्री होती है, वो भी घर की बर्बादी कर देती है, पति का भाग्य को जागने नहीं देती है। प्रिय दोस्तों, अब वो ब्राह्मण पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर एक दिन वो सुबह उठा और अपने पोथी पत्रा को उठाया और दूसरे गांव में भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। दोस्तों, चलते चलते अब वो ब्राह्मण एक घने जंगल में पहुंच जाता है। उसको चलते चलते अंधेरा हो जाता है, संध्या काल का समय हो जाता है। दर्शकों, जब संध्या का समय होता है, तो उसी जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे वो ब्राह्मण बैठ जाता है और संध्या वंदना करता है, राम नाम का जप करता है और रात्रि को विश्राम करने का उसी पीपल के पेड़ के नीचे निर्णय करता है। तो रात को उसी पीपल के पेड़ के नीचे अब वो ब्राह्मण रुक जाता है। दोस्तों, सुबह होने पर जब वो ब्राह्मण उठा, तो पास में ही एक छोटा सा सरोवर था, तो ब्राह्मण उसमें स्नान करने चला जाता है। स्नान ध्यान करने के बाद, अपने पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद, अब वो ब्राह्मण दूसरे गांव में पहुंचा। दोस्तों, जब वो ब्राह्मण दूसरे गांव में पहुंचा, तो वो गांव वाले भी उस ब्राह्मण की कोई कथा नहीं सुनते और ना ही कोई उसको भिक्षा दे रहा था। तो ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाता है।
और दिन भर दूसरे गांव में एक दूसरे गांव से एक दूसरे गांव में घूमकर संध्या के समय उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ जाता है और आकर के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दोस्तों वो पीपल का पेड़ बहुत विशाल था। प्रिय दोस्तों उस पीपल पेड़ की जड़ में एक विशाल काला सांप काला नाग रहता था। ब्राह्मण को इस बात की खबर तक नहीं थी कि इस विशाल पीपल के वृक्ष में कोई काला नाग भी रहता है। प्रिय दर्शकों ब्राह्मण उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर संध्या वंदना करता है, पाठ पूजा करता है, अपना नित्य नियम पूरा करता है और फिर सोचने लगता है कि मेरी कथा को कोई सुनता नहीं है, क्यों न मैं इस पीपल के वृक्ष को ही मेरी कथा सुनाऊं। क्योंकि वो ब्राह्मण बहुत ज्ञानी था, उसने सोचा कि पीपल में श्री हरि विष्णु का निवास होता है, भगवान नारायण का निवास होता है, इसलिए क्यों न मैं पीपल के वृक्ष को अपनी कथा सुनाऊं, अपनी व्यथा सुनाऊं। तो प्रिय दर्शकों अब वो ब्राह्मण पीपल के वृक्ष को अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर उस विशाल पीपल के वृक्ष में से एक काला नाग निकलता है और उस ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा भेंट करता है। उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्रा देते हुए वो सांप बोला कि ब्राह्मण तुम रोज रोज यूं ही यहां आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें स्वर्ण मुद्रा दे दिया करूंगा। प्रिय दर्शकों अब उस नाग की इस बात को सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश होता है और उस काले नाग को दंडवत प्रणाम करता है और ब्राह्मण उस नाग की बात को मान लेता है। प्रिय दर्शकों अब वो काला सांप उस ब्राह्मण से और कहता है कि ब्राह्मण तुम ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हारे सभी दुखों का निवारण कर दूंगा, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन इस बात को तुम कभी किसी को मत बताना। प्रिय दर्शकों ब्राह्मण नाग की बात को सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है और उस काले सांप से उस काले नाग से ये वादा करता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और रोज इसी तुम्हारे पीपल के वृक्ष के नीचे आकर मैं तुम्हें कथा सुनाया करूंगा। प्रिय दर्शकों अब ब्राह्मण रोज ऐसा ही करता, सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पोती पतरा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां जाकर अपना आसन लगाता और आसन पर बैठकर पीपल के वृक्ष को रोज संपूर्ण कथा सुनाता। दोस्तों कथा पूर्ण होने पर नाग सोने की मुद्रा उस ब्राह्मण को भेंट करता। दोस्तों अब देखते ही देखते वो ब्राह्मण धनी हो गया, पूरे गांव में ब्राह्मण की चर्चा होने लगी, ब्राह्मण की दिशा कैसे सुधर गई, लोग इस तरह बात करते, लोग कहते कि ये तो बड़ा निर्धन था लेकिन अब इसकी दशा कैसे सुधर गई है, इसका समय कैसे बदल गया है। लोग न जाने कितनी तरह की बातें करने लगे, कोई कहता है कि जरूर ये ब्राह्मण कोई गलत काम करता होगा। प्रिय दर्शकों ब्राह्मण को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो ब्राह्मण लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। कहते हैं ना कि हाथियों के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, इसी तरीके से ब्राह्मण के पीछे कई लोग भौंकते रहे लेकिन ब्राह्मण उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म और अपने काम पर ध्यान देता था। ब्राह्मण का एक ही काम था कि रोज सुबह पीपल के पेड़ के नीचे जाना, आसन लगाना और वहां बैठकर संपूर्ण कथा सुनाना। कथा सुनने के बाद, कथा पूर्ण होने के बाद जब वो सांप देवता निकलता तो ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं भेंट करता, अपनी स्वर्ण मुद्रा लेकर ब्राह्मण वापिस अपने घर को आता और दूसरे दिन फिर से नहा धोकर पीपल के वृक्ष के नीचे जाता, वो नित्य अपना यही कार्य करता रहा। प्रिय दर्शकों अब ब्राह्मण की कामयाबी से लोग जलने लगे, उसके पड़ोसी जलने लगे। अब एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मण की पत्नी के पास आई और उससे पूछने लगी कि आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए हैं, वे रोज कहां जाते हैं और रोज उसकी कथा कौन सुनता है। आपके पति की कथा को सुनते हुए हमने किसी को नहीं देखा, पता नहीं तुम्हारा पति कौन सा गलत काम करता है। प्रिय दोस्तों उन औरतों की इस बात को सुनकर
उस ब्राह्मण की पत्नी के मन में भी शंका हो जाती है। उसने एक दिन अपने पति से पूछना चाहा कि आपको ये धन कहां से मिलता है, आप जहां से भी ये धन कमा कर लाते हैं मुझे जरूर बताएं। अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर अब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम्हें आम चूखना है या पेड़ गिनना है। ये कहकर ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात को टाल देता है। प्रिय दोस्तों, अब कुछ दिनों तक ब्राह्मण अपनी पत्नी से इसी बात को कहकर टालता रहा। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मणी ने मजबूर कर दिया। ब्राह्मण मजबूर होकर अपनी पत्नी को वो नाग देवता की सारी बातें बता दी, और जिस वजह से उस ब्राह्मण की पत्नी के मन में लालच आ जाता है और ब्राह्मण के खाने में एक नशे की दवा मिलाकर उस ब्राह्मण को बेहोश कर देती है। प्रिय दर्शकों, जब वो ब्राह्मण बेहोश हो जाता है तो वो ब्राह्मण की पत्नी अब अपने बेटे से बोली कि बेटा, तुम्हारा पिता उस पीपल के पेड़ के नीचे जाता है और वहां कथा सुनाता है। उस पीपल के वृक्ष में से एक नाग निकलता है, तुम्हें वहां जाना है और उस पीपल के पेड़ पर वहां जाकर तुम्हें कथा सुनानी है, और जब तुम्हारी कथा संपूर्ण हो जाएगी तो उस पीपल के वृक्ष से एक काला सांप निकलेगा जो तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं देगा। वो जैसे ही सांप निकले, जैसे ही वो काला सांप बाहर निकले तो उसको मार देना और उसकी सारी संपत्ति ले आना। ऐसा करने से हम एक ही दिन में करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, वो ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे को इस तरीके का ज्ञान देती है। प्रिय दर्शकों, अब वो ब्राह्मण का लड़का अपने पिता की पोती पत्रा लेकर और वहां गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। दोस्तों, जब कथा पूरी होने पर वे नाग बाहर आया और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा, तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पीछे से पूंछ कट जाती है और नाग भी पलटकर उस ब्राह्मण के लड़के को पैर में डस जाता है। नाग देवता के डसने पर उस ब्राह्मण के लड़के की मौके पर वहीं पर मौत हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जब उधर ब्राह्मण को होश आया तो वो उठा तो देखा कि उसके पोती पत्रा गायब है, उसके पास उसके पोती पत्रा नहीं है। तो वो ब्राह्मण अब समझ गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वे जल्दी से उस पीपल के पेड़ के पास गया तो देखा उसका लड़का मरा हुआ पड़ा है। प्रिय दर्शकों, उस ब्राह्मण को वहां देखकर जब नाग बाहर आया तो नाग देवता ने कहा कि ब्राह्मण, मैंने तुमसे कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी को नहीं कहोगे, लेकिन तुम अपने वचनों से हार गए हो और तुमने न जाने किस किस को बता दी। नाग देवता और कहता है कि अब तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है और मुझे मेरी पूंछ कटने का दुख है। प्रिय दर्शकों, अब वो नाग देवता उस ब्राह्मण को श्राप देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा बनाई गई है वो सभी नष्ट हो जाएगी और तुम पहले की तरह बर्बाद हो जाओगे, पहले की तरह निर्धन हो जाओगे। प्रिय दर्शकों, अब वो ब्राह्मण नाग देवता के मुख से इस बात को सुनकर अपना सिर पीट रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था और रोता बिलखता अपने पुत्र के शव को लेकर वहां से अपने घर को चला आता है। घर आकर अपनी पत्नी से बोला कि देखो, तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र भी गवा दिया है और हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वो ब्राह्मणी भी रोती रही। इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला होती है। ऊपर वाला जो देता है उसको अपना नसीब समझकर सहज स्वीकार करना चाहिए। जो लोग लालच करते हैं उनका भी पतन हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमको ये सीख देती है कि लालच एक दलदल है जो व्यक्ति को विनाश की ओर अग्रसर कर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।